अब हमारे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं क्योंकि हमारी दवाई भी खत्म हो रही है, हम बहुत परेशान हो गए, हमारी एज भी आप देख ही रहे हो। पैसे भी खत्म है, पैसे हो तो चलो यहाँ से दवा भी ले, जितनी जल्दी हो सके हमें वतन वापसी भेजा जाए। लॉकडाउन की वजह से विदेशी भी देश में फंस गए। भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि अगले 3 मई तक देश में फंसे विदेशियों का वीजा बढ़ा दिया जाए। लॉकडाउन की वजह से और भारत पाकिस्तान सीमा बंद होने की वजह से मुंबई में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों ने मोदी सरकार और इमरान सरकार दोनों से अपील की है कि बॉर्डर खोला जाए और उन्हें वापस देश लौटने दिया जाए। वाघा सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर होने की वजह से लॉजिस्टिक की समस्या इनको लौटने में आड़े आई, तो वही इतनी लंबी दूरी के लिए निजी वाहन को भी परमिट नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर, हमारी ये गुजारिश है आपसे कि आज 30 दिन हो गए हम यहाँ फंसे हुए हैं मुंबई में, अब हमारे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अब ऐसे वसाइल नहीं है कि हम यहाँ पे रह सकें। हम इंडियन गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बगैर किसी दिक्कत के हमारा वीजा एक्सटेंड कर दिया, और इनका और भी शुक्रिया कि हमारे कुछ पाकिस्तानी को उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाया। इनसे दोनों गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके हमें वतन वापसी भेजा जाए। आप हमकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप हम लोगों को यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी दवाई भी खत्म हो रही है, हम बहुत परेशान हो गए, हमारी एज भी आप देखिए, और हमारे पास पैसे भी इतने नहीं है। प्लीज मेहरबानी होगी आपकी बड़ी, आप हाँ भाई जान, देखो हमारी बात सुने, हम लोग आपने सुना, हम लोग किस तकलीफ में है, हमारी मेरी उम्र भी इतनी है और पैसे भी खत्म है, पैसे हो तो चलो यहाँ से दवा भी दे, लेकिन पैसे ही नहीं है तो दवा किस तरह से हम दें। हमको आए 2 माह हुए हैं लेकिन बॉर्डर से आने के बाद हमको 1 माह हो गया। अब रमजान के दिन भी आ रहे हैं, इबादत के दिन है, चलो हम बैठे हैं, आप मेहरबानी करके हमारे लिए कुछ करिए जल्द से जल्द, आपका बहुत शुक्रिया। सर आपसे गुजारिश है हमारी कि प्लीज हमारे लिए कुछ करें, मेरे साथ ये 2 छोटे बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे अब बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। हम 2 दिन बॉर्डर पर बैठ के आ चुके हैं, 2 दिन तक हम बॉर्डर पर थे, आपसे हमारी गुजारिश है कि प्लीज हमारे लिए कुछ करें। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे, और अगर जाना भी चाहते हैं और भारत सरकार जाने भी दे तो क्या पाकिस्तान सरकार इन्हें घरों तक पहुंचाएगी?